मिसेस पंजाब टाइटल दिया गया है, हम कनिका जी से पूछते हैं इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा था एज ए जज, कि क्या क्या इन्होंने पैरामीटर्स रखे कि जो इन्होंने झुलका को मिसेस पंजाब का खिताब दिया है। देखिए ये इट वॉज़ नॉट डिपेंडेंट, मुझ पे ही डिपेंडेंट नहीं था, बहुत सारे जजेस थे और सबके क्यूमुलेटिव जो मार्किंग्स थी उसके हिसाब से ये चुनी गई हैं कि जब वॉक करके आती हैं तो हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, व्हाट कॉन्फिडेंस डज शी हैव। देन द सेकेंड थिंग वी सॉ वाज़ कि वो जब अपना इंट्रोडक्शन देती हैं तो कितने कितने कम्फर्टेबल है अपने बारे में बात कर। एंड द थर्ड थिंग वाज जो हमने सवाल पूछे उनसे तो जो उन्होंने जवाब दिए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप सवाल कुछ पूछते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डाइग्रेस हो जाता है, तो जो जवाब दिए उन लोगों ने और तो उस हिसाब से हम लोगों ने चूज़ किया। कनिका जी एक ये स्टेज नहीं थी लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बात हो गई, आपको क्या लगता है कि ये सही मंच था ऐसी बात करने का कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल सिंपल पूछा था यस और नो उड़ता पंजाब के लिए और यहाँ पे उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, आपको क्या लगता है कि ये मंच सही था कि नहीं था यस और नो? हमारे देश के संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है, तो जैसा जैसे हमें जैसे मनोज जी ने सवाल पूछा उनको सवाल पूछने का हक है, जिस लेडी ने जवाब दिया उसको जवाब देने का हक है, वो क्या जवाब देना चाहती वो भी उनका हक है, और जिस इंसान ने उसके ऊपर टिप्पणी की बाद में वो भी उनका हक है। देखिए ड्रग मेनेस सिर्फ पंजाब में है ऐसा नहीं है, राजस्थान में है और बहुत सारे स्टेट्स में है। अगर किसी फिल्म मेकर ने उड़ता पंजाब टाइटल, एक तो इट्स साउंड्स गुड उड़ता पंजाब, अगर आप उसको ड्रग्स से हटा के भी देखो एक उसकी खनक अच्छी है, लेकिन क्योंकि ड्रग्स का मामला उसके साथ जुड़ गया है, ड्रग्स का टॉपिक है, तो आपने बोल दिया कि उड़ता पंजाब मतलब ड्रग्स के नशे में उड़ रहा आदमी। तो मेरे हिसाब से कि अगर हम ये मेनेस को अगर मैं सारे पॉलिटिशियन से ये विनती करती हूँ कि आप इस मेनेस को देखो कि जो ये जो बीमारी है हमारे देश में जिस हमारे यूथ को जो ख़त्म करे, कोई भी यूथ हो, अगर हमने पंजाब को उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया है तो इसमें उसमें क्या बुरी बात है? उड़ता पंजाब एक बन गया, हमने उसको, इसका ये मतलब नहीं कि हमने पंजाब को नकारा है या पंजाब बुरा है या पंजाब के सारे लोग नशेड़े हैं, हमने अगर उसका एग्जांपल बनाया है और उससे अपने बुरी यूथ को अगर उसका एक सबक मिलता है या उसका एक मैसेज मिलता है तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हाँ, अभी हमारे साथ कनिका जी हैं थी और उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब एक सिर्फ टॉपिक है कि ड्रग के ऊपर स्टोरी बनाई गई है, ना कि स्पेसिफिकली पंजाब के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ नेताओं ने टिप्पणी कर दी तो वो टिप्पणी कोई बॉलीवुड में अच्छी नज़र से नहीं देखी जा रही। इन्होंने कहा कि सिर्फ इट शुड बी टेकन एज ए कमेंट, वो एक उड़ता पंजाब जो है वो एक फिल्म है, ना कि एक पंजाब के ऊपर कुछ उन्होंने बनाई है, एक ड्रग का मुद्दा लेकर के बनाई है। रमनीक मुंगिया, नेशनल बस के लिए, चंडीगढ़ से।